हेलो दोस्तों, स्वागत है यार एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ आईपीएल 2023 के 59वें मैच की प्रेडिक्शन के बारे में, जो भारतीय समय अनुसार शाम को 7:30 बजे से स्टार्ट होगा। दोस्तों यह मैच दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच में 13 मई 2023 को दिल्ली स्टेडियम में खेला जाएगा। इस वीडियो में हम स्टेडियम, पिच रिपोर्ट, वेदर, हेड टू हेड और खिलाड़ियों के प्रदर्शन से इन दोनों टीमों का कंपेरिजन करेंगे। साथ ही में दोस्तों मैं मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन भी आपको बताऊँगा और फैंटेसी टीम की ठोस की प्रिडिक्शन की भी बात हम करेंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं इन दोनों टीमों के बारे में। तो पहले बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स के बारे में। ये अपना लास्ट मैच हार कर आ रहे हैं 27 रन से और इनकी पॉसिबल प्लेइंग 11 टीम डेविड वार्नर, फिलिप सोल्ट, मिशेल मार्श, रियल रेसो, अमन अकीम खान इनके बैट्समैन, अक्षर पटेल, रिपिल पटेल, ललित यादव इनके ऑलराउंडर प्लेयर, कुलदीप यादव, खलील अहमद, ईशांत शर्मा इनके बॉलर है, जो दोस्तों काफी मजबूत स्थिति में है। दोस्तों अगर बात करें इनके लास्ट मैच परफॉर्मेंस के बारे में, रियल रेसो ने 35 रन की पारी खेली थी, साथ में यार मिशेल मार्श ने 3 विकेट निकाले थे और हाँ दोस्तों अक्षर पटेल ने भी बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, 2 विकेट निकाले थे। बात करते हैं यार इनके अपोनेंट टीम पंजाब किंग्स के बारे में। ये अपना लास्ट मैच हार करा रहे हैं 5 विकेट से और इनकी पॉसिबल प्लेइंग 11 टीम सिमरन सिंह, शिखर धवन, बानु का राजपक्षे, जितेश शर्मा इनके बैट्समैन, लियोन लिविंगस्टोन, सैम करन, शाहरुख खान इनके ऑलराउंडर प्लेयर, हरप्रीत बराड़, ऋषि धवन, राहुल चार, अर्शदीप सिंह इनके बॉलर है, जो दोस्तों काफ़ी मजबूत स्थिति में है। दोस्तों अगर बात करें इनके लास्ट मैच परफॉर्मेंस के बारे में, शिखर धवन ने 57 रन की पारी खेली थी, साथ में यार राहुल चार ने भी 2 विकेट निकाले थे। दोस्तों देखो यार अभी तक इन दोनों टीमों के बीच में टोटल ओवरऑल 30 मैच खेले गए हैं, जिनमें से दिल्ली कैपिटल्स ने भी 15 मैच जीते हैं, जबकि यार पंजाब किंग्स ने भी 15 मैच जीते हैं। दिल्ली कैपिटल्स का 231 रन का हाईएस्ट स्कोर है पंजाब किंग्स के खिलाफ, जबकि यार पंजाब किंग्स का 202 रन का हाईएस्ट स्कोर है दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, और दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स का 58 रन का लोएस्ट स्कोर है पंजाब किंग्स के खिलाफ, जबकि यार पंजाब किंग्स का 68 रन का लोएस्ट स्कोर है दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ। और दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स ने 15 में से 4 मैच तो पहले बैटिंग करते हुए जीते हैं, जबकि यार 11 मैचों में बाद में बैटिंग करते हुए इन्होंने जीत दर्ज की है, और पंजाब किंग्स ने 15 में से 5 मैच तो पहले बैटिंग करते हुए जीते हैं, जबकि यार 10 मैचों में बाद में बैटिंग करते हुए इन्होंने जीत दर्ज की है। दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स अपने खेले गए लास्ट 5 मैचों में से 3 मैचों में जीत करा रहे हैं, जबकि यार 2 मैचों में हार करा रहे हैं, और पंजाब किंग्स अपने खेले गए लास्ट 5 मैचों में से 2 मैचों में जीत करा रहे हैं, जबकि यार 3 मैचों में हार करा रहे हैं। दोस्तों इन दोनों टीमों के बीच में खेले गए लास्ट 10 मैचों में से दिल्ली कैपिटल्स ने 6 मैच जीते हैं, जबकि यार पंजाब किंग्स ने 4 मैच जीते हैं। इन दोनों टीमों के बीच में लास्ट ईयर 2 मैच खेले गए थे, दोनों के दोनों मैच दिल्ली कैपिटल्स ने जीते थे, जबकि यार इन दोनों टीमों के बीच में खेले गए लास्ट 5 मैचों में से दिल्ली कैपिटल्स ने 4 मैच जीते हैं और पंजाब किंग्स ने 1 मैच में जीत दर्ज की है। दोस्तों देखो यार यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही में दोस्तों ठोस की प्रेडिक्शन, फैंटेसी टीम और क्रिकेट से रिलेटेड प्रत्येक अपडेट जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर मैं आपको ठोस की प्रेडिक्शन देता हूँ, ठोस होने के बाद में फैंटेसी टीम देता हूँ, कभी हमारी मैच प्रेडिक्शन चेंज करनी पड़ती है तो टेलीग्राम चैनल पर ही बताता हूँ। साथ ही में दोस्तों देखो यार अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल को ही ज्वाइन करना, जिसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों देखो यार यह मैच खेला जाएगा अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में, और यहाँ पर जो भी टीम ठोस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करेगी, क्योंकि यार यहाँ पर बाद में खेलने वाली टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। यहाँ पर फास्ट बॉलरों को 53% विकेट मिलते हैं, जबकि यार स्पिनर बॉलरों को यहाँ पर 47% विकेट देखने को मिलते हैं। मीडियम साइज का यहाँ पर ग्राउंड साइज है, फर्स्ट बैटिंग का एवरेज स्कोर 164 रन का है, जबकि यार सेकंड बैटिंग का एवरेज स्कोर 150 रन का है। दोस्तों यहाँ पर अभी तक टोटल ओवरऑल 82 मैच खेले गए, जिनमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 36 मैच जीते हैं, जबकि यार बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने यहाँ पर 46 मैच जीते हैं। यहाँ पर एक भी मैच टाई नहीं हुआ, यहाँ का एवरेज स्कोर 166 रन का है, जबकि यार यहाँ का हाईएस्ट स्कोर 231 रन पर 4 विकेट का है, जो कि दिल्ली कैपिटल्स का ही है, और यहाँ का लोएस्ट स्कोर 66 रन पर 10 विकेट का है, जो कि दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स का ही है। दोस्तों यहाँ का स्कोर पैटर्न 150 के नीचे 22 बार, 150 से 169 के बीच में भी 22 बार, 170 से 189 के बीच में भी 22 बार, और 190+ यहाँ पर 16 बार स्कोर जा चुका है। दिल्ली कैपिटल्स अपने खेले गए लास्ट 10 मैचों में से यहाँ पर 5 मैच जीत करा रहे हैं, जबकि यार पंजाब किंग्स अपने खेले गए लास्ट 10 मैचों में से यहाँ पर 4 मैच जीत करा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फैंटेसी टीम के बारे में, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, ठोस की प्रिडिक्शन भी आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। बात करते हैं यार मैच प्रिडिक्शन के बारे में। दोस्तों आपको पता है यार दोनों टीमों का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, लेकिन बात की जाए गूगल के प्रिडिक्शन के बारे में तो दोस्तों गूगल की प्रिडिक्शन के अनुसार दिल्ली कैपिटल्स इस मैच को 49% जीत सकते हैं, जबकि यार पंजाब किंग्स इस मैच को 51% जीत सकते हैं। लेकिन यार अगर बात की जाए मेरे
मेरी पर्सनल प्रिडिक्शन के बारे में, तो दोस्तों मेरी पर्सनल प्रिडिक्शन के अनुसार इस मैच को पंजाब किंग्स ही जीत सकते हैं। आप आपकी पर्सनल प्रिडिक्शन मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और दोस्तों आपको पता ही यार, क्रिकेट एक अनिश्चितता का खेल है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। साथ में अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों देखो यार, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हम आपसे मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।